हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे। आज मेरे किचन में चिकन की एक रेसिपी बन रही है जो बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बना रही हूँ। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक और एक शेयर कर देंगे, और जो नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देंगे। यहाँ पे मैंने 1 kg चिकन लिया है। चिकन को अच्छी तरह से साफ़ करके इसमें 1 बड़ा चम्मच हल्दी पाउडर और 3 से 4 बड़े चम्मच मस्टर्ड ऑयल मिला के रख दिए हैं। ग्रेवी के लिए मैंने यहाँ पे 4 बड़े साइज के प्याज को इस तरह रफली काट ली हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ साबुत मसाले लिए हैं, जैसे 1 बड़ा चम्मच जीरा, 1 लाल मिर्च, 1 बड़ी इलायची, 1 हरी इलायची, 1/2 इंच दालचीनी का टुकड़ा और 5 से 6 लौंग लिए हैं। कुछ साबुत लहसुन की कलियाँ लिए हैं, कुछ छिले हुए हैं और कुछ साबुत हैं छोटे छोटे, देखिए इस तरह से। इसे अच्छी तरह से मैंने साफ़ कर लिया है, इसके जड़ को भी तोड़ दिया है। नॉनवेज में इस तरह के लहसुन खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। मसाला पेस्ट के लिए यहाँ पे मैंने 10-12 लहसुन की कलियाँ, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 3 से 4 हरी मिर्चें और 3 से 4 लाल मिर्चें लिए हैं। आप इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसे हम पेस्ट बना लेंगे। कुछ ड्राई स्पाइसेस हैं, 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर, 1/2 टेबल स्पून काली मिर्च का पाउडर और 1/2 टेबल स्पून रेड चिली का पाउडर। अब सारे स्पाइसेस तैयार हो गए, आइए चिकन बनाते हैं। कढ़ाई जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए तब इसमें मस्टर्ड ऑयल डालेंगे और सबसे पहले चिकन को फ्राई कर लेंगे। चिकन के थोड़े थोड़े पीसेस को डाल डाल के फ्राई कर लूँगी। बहुत ज़्यादा तलना नहीं है, बस हल्का सा गोल्डन कलर आ जाएगा तब इसे निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से अब ये तैयार हो गया, अब इसे निकाल लेंगे। बाकी बचे चिकन पीसेस को भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। देखिए इस तरह से मैंने सारे चिकन पीसेस को फ्राई कर लिया है। अब इसी तेल में तड़के के लिए मैं यहाँ पे सूखी लाल मिर्च, जीरा, लौंग, दालचीनी और इलायची डालूँगी और इसमें 2 तेज़पत्ते डालूँगी और इसे पकने दूँगी। जब ये अच्छी तरह से पक जाएंगे तब इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए इस तरह से गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखिएगा। अब इसे कवर कर देंगे 2 मिनट के लिए। इसे प्याज सॉफ्ट हो जाएगा 2 मिनट बाद। देखिए प्याज अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है। अब इसमें साबुत लहसुन की कलियाँ डाल देंगे और मसाला पेस्ट डाल देंगे। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद फिर इसे कवर करके 102 मिनट के लिए रख देंगे। देखिए इस तरह से अब इसे थोड़ी देर भूनेंगे। अब इसमें ड्राई स्पाइसेस डाल देंगे। अब इसमें 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर डालेंगे और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। नमक डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें और भूनें। इसे कवर कर करके बीच बीच में चलाते रहें और अच्छी तरह से मसालों को भून लेंगे। देखिए इसे लो फ्लेम पे ही 12 से 15 मिनट तक भूनेंगे। देखिए इस तरह से कितना अच्छा कलर आ गया है और प्याज भी अच्छी तरह से गल चुका है। सारे मसाले अच्छी तरह से भून चुके हैं। देखिए मसाले से तेल अलग हो रहा है। अब इसी स्टेज में हम चिकन के फ्राई पीसेस को डाल देंगे। देखिए इस तरह से अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
अब गैस का फ्लेम मीडियम रख देंगे। इसे भी कवर कर करके भूनेंगे। देखिए इस तरह से थोड़ी थोड़ी देर पे कवर करिए और इसे अच्छी तरह से भूनिए। जब भी कवर करेंगे फ्लेम को, गैस के फ्लेम को लो कर देंगे, नहीं तो ये जलने लगेगा। देखिए इस तरह से भूनते जाएंगे, करीब 8 से 10 मिनट तक अच्छी तरह से लो फ्लेम पे ही भूनेंगे। मसाले जितने अच्छी तरीके से भूनेंगे उतनी ही अच्छी खुशबू आएगी। देखिए अच्छी तरह से भून चुका है मसाला, कलर भी अच्छा आ चुका है। अब इसमें धीरे धीरे करके पानी डालेंगे, थोड़ी थोड़ी करके। देखिए इस तरह से थोड़ा पानी डालेंगे, उसके बाद इसे मिक्स करेंगे। आपको जितनी ग्रेवी रखने हैं उससे हाफ कप पानी ज़्यादा डालिएगा। अभी ये उबलेगा अच्छी तरह से, इसलिए थोड़ी सी ज़्यादा पानी डालिएगा। इसे मीडियम फ्लेम पे उबलने देंगे। इसे कवर करके रख दीजिए। देखिए यहाँ पे बिजली कट गई। जब कवर करके उबलने देंगे, देखिए उबल रहा है। इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे ही उबलने दें। अब इसमें हाफ चम्मच गरम मसाला का पाउडर डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर कवर करके इसे पकने देंगे। चिकन को लो टू मीडियम फ्लेम पे ही पकाइएगा, हाई फ्लेम पे नहीं पकाइएगा, इससे इसका स्वाद ख़राब हो जाएगा। इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे और चेक करते रहेंगे कि चिकन पका है कि नहीं। देखिए इस तरह से, देखिए पानी भी कम हो गया है। अब ये चिकन अच्छी तरह से पक चुका है। इसे पकने में करीब 10-12 मिनट लगे हैं। ये अच्छी तरह से पक चुका है। अब ये आइए ये सर्व करने के लिए तैयार है। अब यहाँ पे सर्व करने के पहले 2 बड़े चम्मच घी को गर्म करके तड़का लगा लेंगे, देखिए इस तरह से, और इसे ढक देंगे। अब इसे चावल या रोटी के साथ सर्व करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।